हेलो स्टूडेंट्स ऑफ सेकेंड ईयर, गुड मॉर्निंग ऑल ऑफ यू. गर्ल्स संवेग टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, जैसा कि मैंने लास्ट लेक्चर में आपको सामान्य संवेग वीडियो लेक्चर में आपको बताया था कि क्रोध के बारे में, क्रोध एक सामान्य संवेग होता है बाल्यावस्था में, तो आज हम बात करेंगे गर्ल्स इसी टॉपिक को कंटिन्यू करते हुए, संवेग जो होता है वो भय, कि बाल्यावस्था में जो भय संवेग का विकास है वो किस तरह से होता है. जैसे कि अक्सर देखा जाता है कि छोटा बालक बड़े बालकों के अपेक्षा अधिक चीजों से डरता है. विकसित बुद्धि के कारण उसके लिए उन परिस्थिति में छिपे खतरों को पहचानना संभव हो जाता है जिन्हें पहले वह खतरनाक नहीं समझता था. उदाहरण के लिए जैसे कि सांपों का भय वर्ष की आयु से पहले अधिक नहीं दिखाई देता है. देखिए बच्चों, जैसे कि आपने अक्सर सुना भी होगा कि छोटे बच्चे के सामने जब उसको इतना बोध नहीं होता है चीजों का कि किससे डरना है किससे नहीं डरना है. जैसे कि अगर छोटे बच्चे के आगे अगर सांप भी आ जाए तो वो खेल खेल में उसको भी छूने की कोशिश करेगा, उसको भी छूने की हाथ में से पकड़ना चाहेगा. लेकिन जैसे जैसे उसके संवेगों का विकास होता है, उसके विकसित बुद्धि के कारण जैसे जैसे वो समझने लगता है कि किस चीजों से उसको खतरा है, तो ऐसे में जब जो शैशवावस्था मान लीजिए उसमें बच्चे को इतना जो चीजों के प्रति इतना ज्ञान नहीं होता है कि किन कौन सी चीजें उसके लिए खतरनाक है. लेकिन बाल्यावस्था तक आते आते 3 वर्ष के बाद से बच्चों को की बुद्धि विकसित होने लगती है जिससे वे अपने लिए जो छिपे खतरे हैं उसको पहचानने लगता है. अब वो जो शैशवावस्था में जो स्थिति थी कि वो सांप से डर नहीं लगता था उसको, अब उसको पता चल जाता है कि सांप उसके लिए खतरनाक है, उसे नहीं छूना चाहिए. तो जो चार बाल्यावस्था में जो भय संवेग है, डर है, वो निश्चित रूप से स्पष्ट होने लगता है. इस उदाहरण से बच्चों क्लियर हुआ होगा आप लोगों को भय के बारे में. इन लव ने भी अपने अध्ययनों के आधार पर स्पष्ट किया है कि जो शारीरिक खतरे वाली परिस्थितियां जैसे कि एक तंग पटरे के ऊपर चलने में छोटे बालक शुरू में परिस्थिति की नवीनता से डरते हैं, लेकिन जैसे जैसे नवीनता समाप्त होती जाती है वैसे वैसे डर भी घटता जाता है. कि एक पतली सी पट्टी है उस पर बच्चे को चलने में डर लगता है, लेकिन जैसे जैसे जब उसको अभ्यास हो जाता है तो उसका डर भी धीरे धीरे वो समाप्त हो जाता है. और शुरू में वो जो भय होता है वो व्यापक होता है, विशिष्ट नहीं होता है. देखिए भय के बारे में एक बात और है कि जो भय होता है वो व्यापक होता है, विशिष्ट नहीं होता है. जैसे कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था कि शैशवावस्था में बच्चा सांप से नहीं डरता है, लेकिन बाल्यावस्था में आकर वो सांप से डरने लगता है. तो ये क्या हुआ, एक विशिष्टता हुई कि बाल्यावस्था में एक जो भय की विशिष्टता होती जाती है. जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है वैसे वैसे भय की अनुक्रिया अधिकाधिक विशिष्ट होती जाती है. यानी कि जब एक बच्चा जो है शैशवावस्था में वो सांप से नहीं डरता है, लेकिन बाल्यावस्था में वो आकर सांप से डरने लगता है, तो ये भय की जो अनुक्रिया है वो विशिष्ट तो मानी जाएगी, यानी कि विशेष होती जाती है. अब छोटे बालकों को भय की अनुक्रिया में शामिल होता है जैसे कि भागना और छिप जाना, डरावनी परिस्थितियों से बचना, तथा यह कहना कि इसे हटाओ, मैं नहीं पकड़ना चाहता, मैं यह नहीं कर सकता आदि. तो कैसलर ने भी इसके बारे में बताया था कि अनुक्रियाओं के साथ प्राय रोना ठिनकना भी सम्मिलित होता है. यानी कि बच्चा जो है वो किसी भी चीज के प्रति, कोई भी जिससे उसको खतरा हो सकता है उसके प्रति उसका डर भी होता है, भय भी होता है, साथ में वो अपनी अनुक्रियाएं भी करता है जैसे कि साथ में रोना, पैर पटकना, ठिनकना, ये सब चीजें भी भय के साथ सम्मिलित होती है. साथ ही जो तीव्र ध्वनि है, शोर होने से भी कोई बच्चा जो है उससे भयभीत हो जाता है. जैसे कि अक्सर आपने देखा होगा कि जो दिवाली पर पटाखे छूटते हैं बच्चा उनसे भी डरता है. तो मान लीजिए कहीं पटाखे छूट रहे हैं तो वो कान बंद करके दरवाजे के कोने में पीछे खड़ा हो जाएगा, या कोई बहुत ज्यादा लाउड है, बहुत ज्यादा शोर है, तो भी बच्चा उससे डर उठता, एकदम चौंक उठता है, डर उठता है. तो डरावनी घटनाओं वाली कहानियां और तस्वीरें हैं, रेडियो टेलीविजन के प्रोग्राम आदि, इन सबसे भी बच्चा जो है वो डर लगता है उसको. विशेष रूप से उनकी बातों का बाल जीवन के अनुभवों से सामने रहता है. कितने ही भय किसी भयभीत व्यक्ति के अनुकरण से पैदा हो जाते हैं. देखिए भय किसी अप्रिय अनुभव के अनुप्रभाव के रूप में भी पैदा होता है. जैसे जैसे बालक बड़ा होता जाता है उसके भय की संख्या और तीव्रता घटती जाती है.
क्योंकि शैशवावस्था के बजाय बाल्यावस्था में जो भय से की जो अनुक्रिया है वो बढ़ती है, लेकिन जैसे जैसे बालक उत्तर बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है, लेट चाइल्डहुड की ओर अग्रसर होता है, वैसे वैसे उसकी भय की संख्या और तीव्रता भी घटती जाती है। उसे पता चल जाता है कि जो चीज़ उसके लिए जिस चीज़ों से उसे भय लगता था तो वो एकमात्र बाल्यावस्था में उनके प्रति एक अनुक्रिया थी कि जो वो रिएक्ट करता था, जैसे कि रोना है, चिल्लाना है, पैर पटकना है, तो वो उत्तर बाल्यावस्था तक आते आते उनकी जो तीव्रता है वो घटती चली जाती है। भय की तीव्रता में कमी आने के कारण होते हैं जैसे बच्चा ये समझ जाता है कि चीज से वे पहले डरता था अब उसमें कोई डर की बात नहीं है। जैसे कि आपने भी पढ़ा था तंग पटरे पर चलना, बच्चे का एक पटरी पे चलना, तो जैसे जैसे वो उसको प्रैक्टिस करता है उसको डर समाप्त होता चला जाता है और उसे लगता है कि अब उसके लिए इसमें कोई डर की बात नहीं है। साथ ही जो वह उपहास का पात्र बनने से बचने के लिए भी अपने भय को छिपाना सीख जाता है। देखिए ये भी एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है बच्चों कि जब बच्चा उत्तर बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है तो वह अपना उपहास का पात्र यानी कि उसका मजाक ना बने तो भी वह अपने भय को छुपाने लगता है। अक्सर देखा होगा कि कुछ बच्चे जो है किसी के सामने शर्म की वजह से उस कार्य को कर बैठते हैं जो वो पहले जिससे वो डरते थे, ताकि वो उनकी कोई निंदा ना करे, उनका कोई मजाक ना बनाए। ठीक है, तो ये सब चीजें भी हैं। जर्सिल ने स्पष्ट किया था कि बालक का परिचित लोगों, पर्यावरण और अनुभवों से जब भली भांति परिचय हो जाता है तो उसका भय मिट जाता है। जैसे कि अगर बच्चा जितना समाज के संपर्क में आएगा, अनुभव जितने उसको मिलेंगे, व्यवहार में जितना वो सीखेगा, पर्यावरण उस पर्यावरण के साथ जुड़ेगा, वैसे वैसे उसका डर भी खत्म होता चला जाएगा। अब नेक्स्ट समय की बात करते हैं गर्ल्स, ईर्ष्या, ज्वेलसी कि ईर्ष्या किसी व्यक्ति के प्रति क्रोध पूर्ण अमर्ष की भावना होती है। जब किसी के लिए क्रोध हो मन में तो वो ईर्ष्या बन जाती है। यह सदैव सामाजिक परिस्थितियों में पैदा होती है। कैसे कि जो भी बच्चों को आगे बढ़ने से रोकता है, सामाजिक उसका सामाजिक विकास होने से रोकता है, तो ऐसे में जो ईर्ष्या का संवेग है वो बढ़ता चला जाता है। जैसे कि माता पिता या लोग जो बालक की देख रेख करते हैं वे अपनी रुचि या ध्यान किसी दूसरे की ओर विशेष रूप से नवजात शिशु की ओर कर देते हैं। तो ईर्ष्या का प्रारंभ 2 से 5 वर्ष के बीच की आयु में छोटे सहोदर का जन्म होने पर बहुत होता है। यानी कि परिवार में एक बच्चे पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया जा रहा था, लेकिन जब छोटा बच्चा कोई दूसरा हो जाता है तो उसका जो माता पिता का ध्यान है वो उसके से हटके छोटे बच्चे पर चला जाता है। तो ऐसे में जो बड़ा बच्चा है उसके अंदर ईर्ष्या का संवेग जो है वो उत्पन्न होने लगता है। नेक्स्ट है गर्ल्स, वह ऐसे सहोदर के प्रति भी ईर्ष्यालु हो सकता है जिसे खराब स्वास्थ्य के कारण देखरेख की अधिक जरूरत होती है। यानी कि कोई बच्चा परिवार में छोटा जो है वो थोड़ा सा बीमार है, अनहेल्दी है, तो माता पिता उसकी तरफ ज्यादा ध्यान देते हैं, तो ऐसे में भी वो अपना जो भाई है या बहन है छोटी उसके प्रति भी वो ईर्ष्यालु हो सकता है। और साथ ही अक्सर देखा जाता है कि जो सहोदर की तरह ही घर के बाहर के बच्चों से भी वो ईर्ष्या करे, क्योंकि बाहरी बच्चों से उसका संपर्क बहुत ही सीमित होता है। और ऐसे में प्राय यह समय होता है कि जब माँ या अन्य लोग जिन्हें बालक प्यार करता है उपस्थित नहीं होते, तो लेकिन छोटे बालक प्राय अपने पिता से भी ईर्ष्या रखते हैं। उनका माँ के प्रति मातृत्व हो तो जाता है और वह सदैव उनके साथ ही रहती है, इसलिए माँ का पिता को प्यार करना उन्हें बुरा लगता है। कभी कभी बच्चे में भी ऐसा लगता है कि अगर माता जो है माँ जो है उस बच्चे के पिता का अधिक ध्यान रख रही है तो ऐसे में वो पिता से भी ईर्ष्या करने लगता है। तो ये एक जो एक सामान्य बात होती है बाल्यावस्था में ईर्ष्या संवेग के लिए, लेकिन जैसे जैसे बच्चे का विकास होता है वो उत्तर बाल्यावस्था की ओर अग्रसर होता है, तैसे जैसे ये जो ईर्ष्या का जो संवेग है वो घटता चला जाता है, वो कम होता चला जाता है। प्रारंभिक बाल्यावस्था में भी ईर्ष्या की अभिव्यक्ति बहुत कुछ इस तरह होती है जैसे क्रोध की, क्योंकि जो ईर्ष्या का जो संवेग है उसकी अभिव्यक्ति भी क्रोध की तरह होती है। उनसे जो कभी कभी ईर्ष्या के कारण बालक इस तरह के शैश्वचित व्यवहार करने लगता है, जैसे कि अंगूठा चूसना, बिस्तर में पेशाब कर देना, शैतानी करना, खाने से इनकार करना, यानी कि वो इस तरह से करता है कि ताकि उसका ध्यान जो है उसका ध्यान जो है परिवार के सदस्य हो उसकी तरफ जाए। साथ ही
लड़कों की अपेक्षा लड़कियों में ईर्ष्या की भावना अधिक देखी जाती है। पहला बच्चा अपने बाल में पैदा होने वाले समुद्र की अपेक्षा ईर्ष्या अधिक बार और अधिक तीव्रता के साथ प्रकट करता है। बड़े परिवारों की अपेक्षा छोटे परिवारों में ईर्ष्या अधिक सामान्य होती है, जो माताएं बच्चों के लिए आवश्यकता से अधिक आकुल रहती है। अब एक बात और देखी गई है कि जो बच्चे अधिक लाड़ प्यार में पलते हैं उन पर ज्यादा ध्यान दिया जाता है, उनमें भी बच्चों में ईर्ष्या की भावना अधिक समस्याजनक होती है। जो माताएं बच्चों पर कम ध्यान देती हैं उनके बच्चों में कम ईर्ष्या होती है। ये भी एक बोसार्ड एवं जर्सिल ने स्पष्ट किया था कि जिन बालकों की आयु का अंतर 18 और 42 महीने के बीच का होता है उनमें ईर्ष्या इससे कम या अधिक अंतर वाले बालकों की अपेक्षा अधिक होती है। यानी कि जब बच्चों का जो गैप होता है वो कम होता है तो वहां पर भी बच्चों में अधिक ईर्ष्या देखी जाती है। नेक्स्ट बात करते हैं बच्चों संवेग के बारे में, जिज्ञासा क्यूरियोसिटी। कि छोटे बालकों में जो बाल्यावस्था में, मैंने पहले भी बताया था आपको, जो जिज्ञासु प्रवृत्ति का होता है बच्चा बाल्यावस्था में, तो छोटे बालक में हर चीज मांगने की उत्कंठा भी होती है। जैसे कि घर में जो है कोई भी चीज है, दूसरों के घर में कोई चीज उसे मांगना, उसे उन्होंने पहले नहीं देखी हो अपने घर में तो उनका ध्यान उसी पर रहता है। साथ ही कपड़े तक को छूकर देखते हैं अपने दूसरे बालकों के और बड़ों के शरीर के बारे में उन्हें बड़ी जिज्ञासा होती है। तो बच्चा बहुत कुछ जानने की कोशिश करता है बाल्यावस्था में। तो जिज्ञासा संवेग भी एक तरह से बहुत ही सामान्य संवेग माना जाता है। इसके बीच में जैसे कि जो है बच्चा बहुत कुछ अपने चारों तरफ आसपास के बारे में जानना चाहता है और साथ ही इस शब्दों से सार्थक वाक्य बनाने की योग्यता, आगे भी बालक ऐसे सवाल पूछने लगता है कि जिसका कोई अंत ना हो, यानी कि कोई ऐसे क्वेश्चंस करता रहता है, वो एक के बाद एक क्वेश्चंस करता रहता है कि जिसका कोई एंड ही नहीं होता है, कि ये क्यों है, कैसे है, कहाँ है, कि ये पृथ्वी क्या है, चंद्रमा क्या है, तारे क्या है, तो कुछ ऐसे क्वेश्चन पूछता है कि वो कि उसको कुछ जानने की जिज्ञासा हो। पूछने की आयु 2-3 वर्ष के बीच शुरू हो जाती है और 6 वर्ष में अपनी प्रकाष्ठा पर पहुंच जाती है। जब बालक को सवालों का जवाब मिल जाता है तो उसकी जिज्ञासा भी शांत हो जाती है। यानी कि जब बच्चा क्वेश्चन करता है उसका आंसर उसको मिल जाता है तो वो पूछने की उसकी जो क्यूरियोसिटी थी, जिज्ञासा थी, वो भी शांत हो जाती है, क्योंकि उसे ऐसी जानकारी मिल जाती है जो उसकी अपनी छानबीन से संभव नहीं होती। नेक्स्ट बात करते हैं गर्ल्स हार्श या खुशी, जिसे हम बोलते हैं कि मुस्कुराना, हंसने की मात्रा तथा इन अनिक्रियाओं को पैदा करने वाले उद्दीपन भी जो होते हैं वो ऐसी परिस्थितियों का उस पर अधिक प्रभाव पड़ता है जिसमें दूसरे बालक जो है वो मौजूद रहते हैं। बालक नई खोजों से प्रसन्न होता है, विशेष रूप से तब जब उनके अन्वेषण, जब उनके जो खोज कर रहे हैं वो अन्वेषण के रास्ते में रुकावटें डाल दी जाती है या जब उसकी सफलताएं दूसरे बालक की अपेक्षा ज्यादा ही होती है। दूसरों को चिढ़ाना, बच्चों या बड़ों से छेड़छाड़ करना तथा जानवरों या दूसरे बालकों को परेशानी में डाल देना उसके अंदर श्रेष्ठता की भावना पैदा करता है जिससे उसे प्रसन्नता होती है। देखिए इस अवस्था में बालक की एक बात और होती है कि उसे कभी कभी दूसरों को परेशान करने में आनंद आता है, खुशी होती है। तो ऐसे में क्या होता है कि वो दूसरों को चिढ़ाना, दूसरे बच्चों से छेड़छाड़ करना, तो ये सब चीजों से उसको एक आनंद की अनुभूति होती है। साथ ही बेतुकी बातों को अच्छे ढंग के मजाकों को परिहास करके अन्य तरीकों की अपेक्षा अधिक अच्छी तरह समझ सकता है। तो ये सब चीजें जो हमने देखी कि हर्ष की अनुक्रिया में मुस्कुराना है, हंसना है, प्राय खूब ऊंचे स्वर से खिलखिलाना, हंसना या प्राय खूब ऊंचे जो हर्षजनक वस्तुएं होती हैं, व्यक्ति से लिपटना आदि इसमें शामिल होते हैं और साथ ही सामाजिक दबाव पड़ते हैं उन पर भी ये निर्भर होता है। नेक्स्ट है बच्चों स्नेह, कि बालक सुख एवं संतोष देने वालों से स्नेह करना सीखता है। छोटा बालक न केवल मनुष्य से बल्कि जानवर और बेजान चीजों से भी स्नेह प्रकट करता है। तो एक स्नेह संवेग भी एक ऐसा संवेग है जो बच्चों को बड़ों के प्रति स्नेह की अनुक्रिया कराते हैं। साथ ही जो संवेगात्मक निर्भरता है परिवार से हटकर दूसरे बालकों पर भी हो जाती है। साथ ही जो बालकों का जो स्नेह संवेग है वो एक दूसरे के साथ आदान प्रदान करने में भी उसकी रुकावट आती है। जैसे कि स्नेह संवेग एक ऐसा संवेग होता है कि बच्चा जो है वो बाल्यावस्था में उसे पाना भी चाहता है, साथ ही उसे देना भी चाहता है। तो ये संवेग ऐसा होता है कि अगर बच्चों को
ज्यादा से ज्यादा ध्यान दिया जाए, उसकी केयर की जाए,